प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उत्तराखंड में स्वास्थ्य के साथ हादसा, धन सिंह रावत की कार पलटी। पौड़ी देहरादून से लौट रहे थे धन सिंह रावत के साथ कई अधिकारी भी मौजूद। सेना ने लश्कर कमांडर अबू जरार को किया ढेर। 11 अक्टूबर को सेना के काफिले पर किया था हमला। एसआईटी ने लखीमपुर कांड को बताया साजिश। राहुल बोले, मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया। अखिलेश यादव के बयान पर भड़के अनुराग ठाकुर, कहा उन्हें बोलने से पहले दो बार सोचना चाहिए। चारधाम रोड की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, कहा देश की रक्षा जरूरतों के मुताबिक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बुलंदशहर में उत्तर पूर्व ब्लॉक प्रमुख और रालोद नेता हाजी यूनुस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग करने के 3 शूटर अरेस्ट हो गए हैं। बता दें कि फिल्मी अंदाज में फायरिंग कर सरेआम एक शख्स की हत्या और 4 लोगों को गोली मारने वाले 4 शूटर्स को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। वही हमले में शामिल स्विफ्ट कार को भी पुलिस ने बरामद किया है। फरार 3 शूटर्स को तलाश में जारी है और पुलिस के तपिश अभियान भी जारी है। पुलिस मामले की एसएसपी ने अपने आरोपी शूटर्स की गिरफ्तारी कर रखा था, जिस पर 25,000 का इनाम भी है। स्वाट और बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद सफलता हासिल की है। तीन अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट कार वह घटना में प्रयुक्त असलहे बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 पिस्टल 9mm की है, 4 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल 32 बोर की है, 7 जिंदा कारतूस ये बरामद हुए हैं। गाड़ी से 2 फर्जी नंबर प्लेटें भी मिली हैं। इस आधार पर अभियोग पंजीकृत कर इनके विरुद्ध अलग से कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह इस सनसनीखेज घटना का पूरी तरह से अनावरण खुलासा करते हुए घटना के 5 शूटर्स में से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष जो अभियुक्त हैं, जो साजिश में किसी न किसी रूप में इस घटना से जुड़े रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया। सर, इन शूटरों को भी गोली लगी थी बताया जा रहा है? हाँ, इनमें से एक अपराधी के पैर में घुटने में गोली लगी है, जिसको आप लोग देख रहे हैं, और इसने दीपक नागर है जिसको घुटने पर गोली लगी है। इसने डॉक्टर को बताया था गाजियाबाद में, जहाँ इसने इलाज कराया, कि ये स्वतः गोली मार लिया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की जिम्मेदारी थी कि वो पुलिस को सूचना देते, लेकिन इस तरह की कोई सूचना गाजियाबाद के उस डॉक्टर के द्वारा। अलीगढ़ के विधानसभा के इग्लास के कस्बे में स्थित मंडी रोड पर आरएलडी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और भाजपा के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा, जिसको लेकर राजस्थान के प्रभारी आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल शर्मा की ओर से सभा स्थल का दौरा किया गया है। राहुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा सरकार में किसान मजदूर वर्ग से परेशान है। 2022 के चुनावों में आरएलडी और सपा मिलजुल कर भाजपा को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगी। सभा स्थल को देखकर आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि लाखों की संख्या में यहां भीड़ देखने को मिलेगी। सिद्धार्थनगर में एडिशनल एसपी सुरेश चंद्र रावत ने जनपद के विभिन्न थानों में पुलिस कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था के लिए हॉस्टलों का निर्माण कार्य का जायजा लिया। एडिशनल एसपी ने बताया कि थाना चहलिया में 32 कांस्टेबल हेतु हॉस्टल बनाकर तैयार हो गया है, जिसे आज निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से पुलिस विभाग को हैंडओवर कर दिया गया। हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर 8 महिला कांस्टेबल के लिए कमरे तैयार किए गए, जहां अन्य थानों पर 32-32 की क्षमता वाले हॉस्टल का निर्माण प्रचलित है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सब्जी मंडी के प्रधान ने फरीदाबाद बिजली बोर्ड पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडी के प्रधान के मुताबिक बिजली बोर्ड के जेई ने 3 फेज कनेक्शन पास करने के पास नाक पर मिठाई के रूप में 25,000 रुपए के रिश्वत की डिमांड की थी, जिसे वह पूरा नहीं कर पाए तो बिजली बोर्ड ने उनका कनेक्शन पास नहीं किया, उल्टे उनका सिंगल
फेस भी कनेक्शन भी काट दिया, जिसके चलते वो पिछले कई महीनों से अंधेरे में काम चला रहे हैं। और इसको लेकर उन्होंने फरीदाबाद डीसी से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों से इसकी शिकायत दे रखी है, लेकिन कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते अब उन्हें मजबूरन ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे अंधेरा ही मिलता है मेरे को। तो मैंने प्रधान जी से बात की, मैंने प्रधान जी अंधेरा क्यों, और कोई दिखता भी नहीं यहाँ पे, मतलब आपके इतने किराएदार थे पहले, काम धंधा था सारा चौपट पड़ा है, आप अंधेरे में बैठे हो, मोमबत्तियाँ जला रखी हैं आपने। तो इन्होंने मीटर के लिए अप्लाई किया था, तो उस मीटर के एवज में उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट ने 25,000 रुपये मांगे थे रिश्वत के, तो प्रधान जी ने वो दिए नहीं। तो इन्होंने क्या काम किया कि जो इनका पुराना मीटर था वो भी काट लिया और नया मीटर भी नहीं लगाया। तो तब से ही ये भाग दौड़ कर रहे हैं इसकी, हमारा नया मीटर लगाइए। तो इन्होंने रिश्वत नहीं दी, तो ना ही इनकी कोई सुनवाई हुई है, ना इनका कोई मीटर लगाया। मेरा मीटर 2 महीने हो गए बिजली वाले उतार के ले गए, जबकि मैं बिजली बोर्ड से पैसे मांगता हूँ आज भी अपने, उसके बावजूद भी मेरा मीटर उतार के ले गए। मेरे से पैसे मांगे जय साहब ने और कृष्ण कुमार ने। मिर्जापुर में शहर कोतवाली इलाके के रैदानी कॉलोनी में वरिष्ठ चिकित्सक के बेटे की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने खुलासे में बताया कि हत्या उसके ही नशेड़ी दोस्तों ने नशे का वितरण के दौरान ओवरडोज लेने पर की थी। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एडिशनल SP संजय कुमार ने बताया कि घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए पुरस्कार में पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। SP ने सफलता पाई है और उसकी टीम को इनाम देने की घोषणा की है। सनिल कुमार साहब उर्फ राजू साहब, सनाफ आर्यन सिंह साहब, आर्यन साहब, तो वो दिनांक 9/12 को अपने घर से गए थे और अपने कुछ साथियों के साथ, बाद में पता चला कि पुलिस पूछताछ से पता किया है कि वो नशे की हालत में दोनों आपस में, उनके दो कुछ उनके साथी थे, उससे झगड़ा हो गया था और अपने प्लाट पे ही उनका शव मिला था और उन्होंने उसके ईंट मार के उसके सर पे, चूँकि शेर को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, नशे के कुछ सामान थे, उस नशे के सामान के लिए जो झगड़ा हुआ था उनके सर पे इतनी गंभीर। आज़ादी के 75वें वर्ष के मौके पर इस बार RSS की तरफ से आयोजित हो रही आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर उम्र के लोगों में उत्साह और जोश कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर खूब जश्न मनाया जा रहा है। फरुखाबाद में मोहरास कन्हैया क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि स्वामी राम प्रकाश आदर्श इंटर कॉलेज ग्राउंड से शुरू होकर 2 किलोमीटर क्षेत्र में घूमने के बाद कॉलेज ग्राउंड में ही समाप्त हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रचारक ठाकुर मौजूद रहे। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में पूरे भारतवर्ष में एक तिरंगा यात्रा और भारत माता का पूजन, वंदे मातरम गान, गांव गांव जन जन तक एक ऐसा स्मरण कराना है जिन क्रांतिकारियों ने, जिन बलिदानियों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई है, उनका स्मरण। नई पीढ़ी ने और जो वर्तमान में पीढ़ी है उसने 1947 की लड़ाई नहीं देखी। रायबरेली के कोतवाली क्षेत्र सलोन में एक व्यक्ति ने परिवार की जिम्मेदारी से तंग आकर जहरीली कीटनाशक दवा खाई। व्यक्ति के ऊपर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी थी और बताया जा रहा है कि अत्यधिक तंगी की वजह से व्यक्ति ने इसी तरीके से कदम उठाया। वही घटना के बाद आनंद पानन में परिजनों ने ई रिक्शा से गंभीर हालत में पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कहते हैं सपने साकार करने के लिए ही देखे जाते हैं। अगर मेहनत और लगन आप किसी काम में करते हैं तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। ठीक आज से 3 साल पहले 12वीं पास अमरुद्दीन ने जो सपना देखा था आज वो साकार होता दिख रहा है। आज अलीगढ़ के रहने वाले अमरुद्दीन का सपना आसमान से बातें करेगा। वजह है अमरुद्दीन की बाइक के इंजन से उड़न खटोला तैयार किया गया है। फिलहाल इस मशीन में एक ही व्यक्ति बैठेगा, लेकिन अमरुद्दीन ने बताया कि परमिशन मिलने के बाद, ट्रायल लेने के बाद 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, क्योंकि अमरुद्दीन ने फ्लाइंग मशीन में 2 सीट लगाई है। और अमरुद्दीन ने बताया कि दूसरे व्यक्ति को अपने पापा या मम्मी को पहले बिठा कर आसमान की सैर कराऊंगा। अच्छा, ये जो किसने तैयार किया है, ये आप, ये क्या नाम है उनका? अमरुद्दीन। अच्छा, क्या चीज़ कब से लगे हुए हैं इस कार में? क्या क्या कार्य करते हैं वैसे ये आपके लड़के? वो जो रोजगार मिल जाए वो करे। अच्छा, उसकी मेहनत करके, मेहनत करके दिन और रात इसने मेहनत बहुत करी। अब क्या चाहते हो आप सरकार से? हम ये कहें कि अल्लाह ताला तुम रोशन हो जाए, सफल करना। सर, इस तरह हम पैरा मोटर है
ये दो आदमी थे, मतलब ये जो उड़ सकते हैं, फ्लाइंग मशीन बोलते हैं इसको। इसमें सर मैंने बाइक पर इंजन लगाया है। खबर जनपद अयोध्या से है, जो आपको बताते चले कि निजी टीवी चैनल के संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा पर उस समय जानलेवा हमला किया गया जहां तीन अज्ञात बदमाशों के आसपास अवैध असला से पत्रकार के सिर पर हमला किया गया, जिसके चलते पत्रकार के हाथ पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। तीनों अज्ञात हमलावर पत्रकार का मोबाइल पर्स और उसमें रखे 1300 रुपए के अलावा परिचय पत्र भी छीन लिया। जाते जाते बदमाशों ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने इसकी सूचना कप्तान और कोतवाली बीकापुर को दी। सूचना के आधार पर पहुंची कोतवाल बीकापुर ने पुलिस ने मामले की छानबीन से लेकर हमलावर नहीं मिले। अलीगढ़ में शादी समारोह में दुल्हन वधु के साथ फेरे जिंदगी और मौत तक एक दूसरे के साथ निभाने के लिए लिए जाते हैं। ताजा मामला छाना छर्रा क्षेत्र का है, जहां लेकिन शादी के बाद जैसे ही विदाई का समय आया तो दुल्हन पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया। दुल्हन पक्ष की तरफ से जानकारी देते हुए बताया कि लड़के की उंगली कटी होने की वजह से वह दुल्हन को विदा नहीं करेंगे। उनके साथ धोखा हुआ है और दूल्हे की उंगली के बारे में किसी ने पहले नहीं बताया। मौके पर पहुंची पुलिस के बाद वधु पक्ष की तरफ से बारात को वापस लौट आने का फरमान जारी कर दिया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस की तरफ से समझौता करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन असफल रहा। क्या नाम है तुम्हारा? मेक सिंह। कहाँ रहते हो? दिल्ली रहता हूँ। क्या मामला है, क्या हुआ, पूरा मामला बात बताएं। ये तो देखो जी, उंगली का पीछा हुआ है, उंगली कटी हुई बताइए, उसके पीछे कैंसर हो रही है। रिश्ता तुम नहीं करवाया? हाँ, रिश्ता मैंने कराया। लड़की वाले की तरफ से? हाँ जी। क्या बात, इन्होंने कुछ बताया नहीं? बताया नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया इन्होंने। आज क्या मामला हुआ है? आज इसी की उंगली के पीछे ही सर। तो बारात मना हो गई है जी? बारात जानी थी, विदानी हो रही? हाँ जी। विदाना हो रही? नहीं। फिर अब क्या चल रहा है? अब देखो गेन के ऊपर है, फैसला क्या करते हैं। उंगली की वजह से शादी नहीं हो रही? हम शादी नहीं करना चाहते। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि उनका हाथ कट रहा है। तो आपको पहले धोखे में रखा गया था? हाँ। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।